दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अल सुबह करीब 4 बजे जयपुर से दिल्ली जा रही निजी बस कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ा रेस्ट एरिया के पास पिलर नंबर 174 पर बस की स्टेयरिंग फेल होने से बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार यात्रियों में से एक दर्जन यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोलवा थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायल यात्रियों को दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और जहां पर सभी यात्रियों का उपचार जारी है। घायलों में महिला पुरुष व बच्चे शामिल हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस के साथ हादसा हुआ। बस के स्टेयरिंग फेल होने से ये हादसा हुआ। देखिए सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है, आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं हादसे का। सीसीटीवी फुटेज आया सामने और जैसे ही बस हाईवे से गुजर रही थी उसी दौरान स्टेयरिंग फेल हुआ और स्टेयरिंग फेल होते ही बस एक तरफ पलट गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से। बस में सवार करीब घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का दौसा जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और लगातार यही हादसा नहीं, इससे पहले भी कई हादसे देखे गए हैं। लगातार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हादसे हो रहे हैं और एक और खबर सामने आई हादसे की, जहां पर बस की स्टेयरिंग फेल होने से बस तुरंत पलट गई। 10-11-12 आदमी हैं। हम लोग आए थे अजमेर से, उसके बाद स्टेरिंग फेल होने से गाड़ी पलट गई। जो है कि हाईवे पे वहाँ जो है कि स्टेरिंग फेल होने पर जो है कि पलट गई गाड़ी। ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, उसमें अपने बस के स्टेरिंग फेल होने की वजह से पिलर नंबर 174 है उधर वो बस पलट गई है, जिसकी वजह से 1 दर्जन लोग हैं वो अपने 200 हॉस्पिटल में आए हैं, जिनका प्राइमरी मैनेजमेंट हमने कर चुके हैं वो बाकी सब। जोधपुर के उसिया से बड़ी खबर है। भीकमकोर गांव में निर्माणधीन बांध टूटा। तेज बारिश के बाद निर्माणधीन बांध टूटा। बांध टूटने के दौरान काम कर रहे थे एक दर्जन से ज्यादा मजदूर। तेज पानी के बहाव शुरू होने से पहले अपनी जान बचाकर मौके से भागे मजदूर और तेज बहाव के कारण 2 ट्रैक्टर ट्रोली सहित पानी में बह गए। गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। बांध टूटने की सूचना के बाद उच्च अधिकारी व ठेकेदार मौके पर पहुंचे और यहां पर बारिश के दौरान बांध निर्माण का कार्य नहीं करने की बात कही जा रही है। और देखिए जोधपुर में बांध टूटने से किस तरीके से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। तेज बारिश के बाद निर्माणधीन बांध टूटा। गनीमत रही कि फिलहाल कोई जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई। बांध टूटने की सूचना के बाद उच्च अधिकारी और ठेकेदार मौके पर पहुंचे और बहाव शुरू होने से पहले मजदूर जो वहां काम कर रहे थे वो पानी के बहाव को देखते हुए वहां से भाग गए और तेज बारिश के बाद निर्माणधीन बांध टूटा। और जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर बता रहे हैं काम कर रहे मजदूर, एक से ज्यादा मजदूर जो बचाव के लिए अपनी जान बचाकर वहां से भागे और भीकमकोर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तेज बारिश के बाद बांध टूटा और यहां पर काम कर रहे थे एक दर्जन से ज्यादा मजदूर जो कि बांध टूटने के बाद मौके से भाग गए। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील ओझा हमारे संवाददाता सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से ये बांध की टूटने की घटना हुई और अभी फिलहाल क्या कुछ इस पर संज्ञान लिया जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा, तेज बारिश होने के कारण निर्माणाधीन जो बांध था उस बांध में पानी ज्यादा आने की वजह से बांध टूट गया था। वहां पे करीब दर्जनों वर्ष से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे थे। पानी का बहाव तेज होने के कारण कुछ रेत के टीलों की तरफ जो मजदूर खड़े थे उन्होंने तेज आवाज लगाई और उनकी आवाज सुनकर दर्जनों भर वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो वहां से भाग छूटे। लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण कुछ निर्माणाधीन सामग्री जो निर्माण में काम आ रही है वो सामग्री और 2 ट्रैक्टर भी पानी के बहाव में चले गए।
और उसके बाद सूचना के बाद उच्च अधिकारी और ठेकेदार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को देखा और कोई जनहानि नहीं हुई और मजदूरों को बारिश के दौरान काम नहीं करने की भी हिदायत दी है। और अभी ऐसा कोई वहां पर निर्माणाधीन काम जो चल रहा था उसको अभी वर्तमान में बारिश को देखते हुए बंद करवा दिया गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। जी आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर में संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल प्रवास पर हैं और इस प्रवास के दौरान उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से विकसित किस्म जोधपुर राजगिरा 2 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र को समर्पित फसलों की किस्म में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में जो कार्य नहीं किया है वह बेहतरीन कार्य है जिस देश दुनिया में जोधपुर का नाम रोशन हुआ है। पहले तो मैं आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने राजगिरा 2 को जो उत्पादन किया है और जो राष्ट्रीय उत्पादन की श्रेणी में आज शामिल हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने उसको शामिल किया है, जिससे हमारा, हमारे क्षेत्र का, हमारे कृषि विश्वविद्यालय का नाम पूरे भारत में, पूरे संसार में रोशन हुआ है। इसके लिए इस बीज के उत्पादन करने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज थोड़ी दुखद समाचार भी है कि पूर्व विदेश मंत्री और राजनीति में बहुत सहजता से काम करने वाले और जिनकी ईमानदारी कहते हुआ थी, आदरणीय नटवर सिंह जी का देहावसान हो गया है। मैं दिवंगत आत्मा के चरणों में वंदन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को, परिवारजनों को, उनके समर्थकों को इस दुख। और उदयपुर से खबर है, जोगीवड़ बांध में डूबने से युवक की हुई मौत, सूचना पर कोटरा थाना पुलिस अशोक सिंह में जब्ते के साथ पहुंचे और SDRF की टीम की मदद से शव निकाला बाहर। पुलिस ने शव को कोटरा मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर और खैरतल के कोट कासिम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तर प्रदेश के जैसलमेर से तमंचे की नोक पर रागिर से चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोट कासिम पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल यूपी पुलिस आगे भी कार्रवाई करेगी। कोटा के आवली रोजड़ी के एक मकान में कोबरा का पूरा कुनबा मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मकान में एक नहीं बल्कि एक एक करके 3 कोबरे नजर आए और दहशत फैल गई। मकान में 2 छोटे छोटे बच्चों के बीच 2 बेबी कोबरा सहित 3 फीट लंबा कोबरा मौत बनकर रेंग रहा था और मकान मालिक जितेंद्र प्रजापति ने आनन फानन में बच्चों सहित परिवार वालों को बाहर निकाला और स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगल में आजाद कर दिया। मोरी रोजड़ी से मेरे पास एक सूचना आई, जहां पे गैस प्लांट के सामने कोई मकान था किसी का और वहां पे सूचना आते ही मैं तुरंत रवानगी ली। वहां पे 2 कोबरा प्रजाति के सांप, तो जो बेबी कोबरा थे 12-12 इंची के और एक कोबरा था 3 फीट का, और तीनों को पकड़ के लाडपुरा रेंज के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, 15 अगस्त पर बॉर्डर क्षेत्र में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF और पुलिस की संयुक्त गश्त, सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में बढ़ाई निगरानी। स्वतंत्रता दिवस पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर बढ़ाई चौकसी और बीकानेर IG ओम प्रकाश पासवान ने चारों जिलों में जारी किया आदेश। कोटपूतली के विराटनगर में 3 युवकों को बरसाती झरने में बने तालाब में बहने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि तीनों युवक झरने में बने तालाब में नहाने गए थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ, लेकिन उनमें से 2 लोग बाहर आ गए, लेकिन एक युवक लापता था जिसके शव को 19 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। युवक के शव के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और देखिए कोटपूतली विराटनगर से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं, 19 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके युवक का शव मिला और
शव मिलने के बाद अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और जोधपुर से खबर है, बेकाबू कार घुसी मकान में, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का मामला, बेकाबू कार ने एक बुजुर्ग को लिया चपेट में, बुजुर्ग के पैर में आई चोटें। बुजुर्ग के परिवार ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कराया मामला और बुजुर्ग का महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के प्रतापनगर थाने क्षेत्र का मामला, जहां पर एक कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी और बेकाबू कार ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में लिया और इस हादसे में बुजुर्ग के पैर में चोटें आई हैं। और देखिए, जोधपुर से आपको सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं, जहां पर एक बेकाबू कार ने एक बुजुर्ग को अपनी चपेट में लिया, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और हादसे में बुजुर्ग घायल हो गया। और यहां पर देखिए किस तरीके से बेकाबू हो गई कार और फिर बुजुर्ग को टक्कर मारी।